देखे नेता मतलब पैसा, नेता मतलब पैसा। अरे नेता है लो पैसा, हमारा 20 कुर्सी दे दे, हमारे कलम में ही दे दे, हमारे कलम में वो दे दे, हम वोट दे वो। लेकिन जयराम महतो जी ऐसा है, जहां पे भी जाते हैं बोलता है दादा आपको क्या चाहिए हम देंगे, दादा आपको क्या चाहिए हम देंगे। लेकिन इस बार आप गिरिडीह का, गिरिडीह लोकसभा का पूरा सिस्टम चेंज कर दीजिए। बहुत 4 से हम जेएमएम में थे, जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष भी हम रह चुके हैं, तो जेएमएम से प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, जेएमएम से प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसा है कि आप सर्वे कीजिए, सर्वे के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि चारों तरफ गिरिडीह जय राम हो चुका है। आप चाहे वो पब्लिकली सर्वे कीजिए या सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, आपको हर जगह जय राम। हालातों से हमें निकालेगा और हमारी बातों को सदन में पहुंचाने का काम करेगा, इसी का नाम टाइगर जयराम महतो। और जयराम महतो एक नाम ही नहीं, एक क्रांति को नेता नहीं। तो हम तो जेएमएम का ढोर है, झंडा ढोते ढोते तो थक गए, दिल में दर्द है, किसको सुनाए। आए एक भैया हमारे टाइगर जयराम महतो, अभी लग रहा कि यहीं से कुछ निवारण हो जाए तो हम लोग तो इधर ही। पार्टी 1932 के लगे थे झारखंड में टाटी, 1932 के जे झारखंड में लगे थे टाटी, ओकरे उठेबे अबरी 24 में खाटी। 22.5% अल्पसंख्या है, कब तक झंडा ढोएंगे, कब तक दरी उठाएंगे। समुदाय के वोट है, सब जग चुके हैं, सब जग चुके हैं, सब जो है जयराम जी को सब वोट। इस पर पैसा का खेल नहीं है, इस पर दिल मोहब्बत और अपना शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेके खेल है। अब इस पर जो 2024 का जो इलेक्शन होगा, 2024 के इलेक्शन में खखरी नहीं बोएंगे, धान बोएंगे, वो भी हाईब्रिड वाला धान। मैं हूं शिवार, आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। लोकसभा की सरगर्मी लगातार आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से। इस वक्त हम लोग गिरिडीह में हैं और तमाम यहां गिरिडीह की टीम हमारे पीछे है। जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि गिरिडीह सदर का जो विधानसभा है यहाँ, वो माहौल कैसा है और मुस्लिम समुदाय से कैसे उनका रुझान मिल रहा है, तमाम चीज़ों पे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। युवा पढ़े लिखे हैं पर झारखंड में 40% मिनरल्स के बाद भी आज हमारे जो झारखंड के लोग हैं इतने गरीब क्यों हैं, ये देखने वाली विषय है और समझने वाली विषय है। क्योंकि लगातार जितनी भी पार्टियाँ हैं वो कहीं ना कहीं पार्टियों में रह करके युवा काम करते हैं, पढ़े लिखे काम करते हैं, पर कहीं ना कहीं जो जनता है वो जनता को हक और अधिकार नहीं मिलती है। तमाम चीज़ों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूरी टीम है, आप सभी को जोहार। रॉकी सेफ से हम जानने का प्रयास करेंगे क्या माहौल है गिरिडीह का। सभी साथियों को और सभी झारखंड वासियों को रॉकी सेफ की तरफ से जोहार और अस्सलाम वालेकुम। गिरिडीह का माहौल ऐसा है कि आप सर्वे कीजिए, सर्वे के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि चारों तरफ गिरिडीह जय राम हो चुका है। आप चाहे वो पब्लिकली सर्वे कीजिए या सोशल मीडिया के थ्रू कीजिए, आपको हर जगह जयराम के ही चर्चा आएंगे। पर ये बोल रहे हैं ना, सोशल मीडिया में लगातार केवल जयराम जी का ये दिखाया जाता है, हकीकत में जमीनी में कुछ नहीं दिखाई जाता, ऐसा लोग क्या आरोप है? ये लोग का गलत फहमी है जो कहते हैं कि सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है। आप सोशल मीडिया में जिसने जयराम दा को वोट दिए हैं उनका आईडी देखिए, और जब उस बंदा को जो सोशल मीडिया यूज करता है उनको पता है कि हमको जयराम दा का वोट दिए। मान लीजिए किसी परिवार में 10 आदमी हैं और 10 आदमी में सिर्फ एक ही आदमी जो यूज किए हुए हैं वही सिर्फ जयराम दा का वोट दिए हैं, और वो हेड ऑफ द फैमिली होगा तो उसके जरिए बताइए कि उस परिवार को से तरफ से कितना वोट आने मिलने वाला है। और जब उस परिवार से पूरा वोट मिलने वाला है तो उस मोहल्ला के लगभग 70% आपको वोट मिलने वाला है। पर जिस तरह से देखा जाए तो गिरिडीह जो सदर है वो जेएमएम का गढ़ रहा है, उस गढ़ को कैसे आप लोग तोड़ पाइएगा? देखिए ये कहना सही है कि एक गढ़ रहा और गढ़ है, दोनों में बहुत फर्क है। आप गढ़ है, गढ़ रहा नहीं है। ये 24 साल के दरमियान में जेएमएम ने जो हम लोग को साथ किया है ना, वो सारा अल्पसंख्यक के समुदाय से आप पूछिए, एक एक करके आप इंडिविजुअल उसको इंटरव्यू लीजिए या पर्सनली आप उनसे पूछिए कि आपका क्या हाल बना के रखा है। हम लोग को किसी तरह का से वो नहीं बख्शा है, चाहे वो अभी देखिए किसी तरह का उसका काम नहीं है, ना सामाजिक काम हुआ है, ना हमारा नली सही से हुआ है, ना सुरक्षा सही से है, और यहाँ तक कि कोल्डिया के लोग पानी के लिए तरसते हैं पीने के लिए, और हमारे जो नेता लोग जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो स्विमिंग पूल बना के तैर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ये कैसा स्थिति है बताइए आप। तो फिर कैसे मतलब पढ़े लिखे जागरूक युवा पार्टियों में झंडा ढोने का काम तो किए हैं, पर ऐसा क्या कारण रह जा रहा है कि नेता तो पूरा अमीर रह जाते हैं पर जनता गरीब रह जाती है? ये जो सवाल पूछे ये बहुत अहम सवाल पूछे हैं। ये जो है नेता अमीर इसलिए रह जाता है क्योंकि हम अल्पसंख्यक समुदाय और जितने भी जनता वासियों को वो चुतिया बनाते हैं,
झंडा ढो लिए, झंडा गढ़ लिए, दर्री बिछा लिए, अब ये सिस्टम चेंज कर देना है, पूरा कम्प्लीटली चेंज कर देना। अभी तक 28 से 30 वर्ष मेरा होने चला, ठीक है। इस वर्ष में मैंने इतना ही देखा कि अभी तक जितना सब वोट दिया है और जिनसे वोट मांगा गया सिर्फ पैसा का खेल हुआ है। और ये पहला ऐसा इलेक्शन होगा जो संसद का, जो जयराम जी का है, सारे लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन दे के और प्लस वोट भी देंगे। इस बार पैसा का खेल नहीं होगा, इस बार पैसा का खेल नहीं होगा, इस बार पैसा का खेल नहीं होगा। सारे लोग कहते हैं कि जो इलेक्शन ये 2024 का हो रहा है ये सही मायने में हो रहा है, क्योंकि इस बार पैसा का खेल नहीं है, इस बार दिल मोहब्बत और अपना शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेके खेल है। अब इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन होगा, 2024 के इलेक्शन में खखरी नहीं बोएंगे, धान बोएंगे, वो भी हाईब्रिड वाला धान बोएंगे। और अब जिनका 55-60 साल हो गया वो रिटायरमेंट लीजिए, घर में बहुत सारे नौकर चौकर है, चाकर है, आप आराम करो, आराम कीजिए, आराम फरमाइए। हम युवाओं को अब सरकार चलाना है। गिरिडीह में लोग ये लगातार कह रहे हैं कि ये मथुरा प्रसाद जी ही का बोलबाला पूरा चल रहा है। देखिए ये गलतफहमी का शिकार है, वो वही लोग कहेंगे जो उन सत्ता के दलाल हैं, ठीक है। मथुरा प्रसाद जो है वो विधायक में अपना 600 सीट से विजय हासिल हुए हैं विधानसभा में, तो ये क्या उम्मीद करते हैं कि लोकसभा में हम जीत हासिल करेंगे सीट। उनका ना पहचान है ना कुछ, को असित्व है। आप उठा के ले जाइए पूरा मोहल्ला में, उनको पूछिए कि इनका फोटो जानते हैं, कोई कोई नहीं जानेगा। अचानक से किसी विधायक को आप उठा के बैठा दिए लोकसभा में, तो क्या उसको वोट मिल जाएगा क्या? भले आप पार्टी के हैं, जेएमएम के भले ही आप पार्टी के हैं, तो क्या आपको वोट मिल जाएगा क्या? आपका बढ़िया कायर होना चाहिए, आपका पहचान होना चाहिए। गिरिडीह और आपका टुंडी विधानसभा है ना जी, जहाँ से वो खड़ा हो रहे हैं, और यहाँ पे जो गिरिडीह ऐसे खड़ा तो हो रहा है हमारा गिरिडीह लोकसभा से, लेकिन उनके आवाज़ से हमारे गिरिडीह के ज़्यादा दूरी नहीं होगा। मेरे ख्याल से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी होगा, लेकिन क्या वो कभी क्या गिरिडीह का पूरा सर्वे किए हैं? गिरिडीह में कितना क्षेत्र है, कितना पंचायत है, कहाँ क्या कमी हुए हैं? आप अचानक से बोलिए कि आप हमको वोट दीजिए, पार्टी वाला हमें टिकट दे दिए, तो हम लोग बेवकूफ़ है क्या? हम लोग बेवकूफ नजर आ रहे हैं। इस बार आप लोग नहीं जा रहे हैं? इस बार कहीं नहीं जाने वाला वोट, सारा मुस्लिम समुदाय का वोट है, सब जग चुके हैं, सब जग चुके हैं, सब जो है जयराम जी को सब वोट देने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलमान अंसारी। इस बार किस पार्टी के साथ आप लोग जा रहे हैं? इस बार हम लोग JBKCS के साथ जा रहे हैं, टाइगर जयराम महतो के साथ में। ऐसा क्या खास नजर देख पा रहे हैं? जैसा कि लगातार बात किया जाए तो जेएमएम का आप लोग का हमेशा से सपोर्ट किए हैं, तो इस बार क्यों चुने हैं जयराम जी को? जयराम जी को इसलिए चुने क्योंकि लगभग 3 साल से या 4 साल से हम जेएमएम में थे, जेएमएम का प्रखंड अध्यक्ष भी हम रह चुके हैं, तो जेएमएम से प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाँ, जेएमएम से प्रखंड अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो इसी तरह जब भी यहाँ पर मुख्यमंत्री आते थे या फिर आपका जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है वो आते थे, या फिर जिस समय यहाँ पर 4 मार्च को कल्पना सोरेन आई हुई थी, तो इसमें क्या होता था कि हम लोग को सिर्फ कॉल करके बोला जाता था कि सलमान जी उधर से इतना गाड़ी लेते आइएगा, पब्लिक लेते आइएगा, भीड़ इकट्ठा करने के लिए लेते आइएगा। तो हम लोग वो सिर्फ वो बोला जाता है ना कि सर हम लोग दर्री बिछाने वाला काम आज तक हम लोग को मिला है और झंडा ढोने वाला, और ऐसा कुछ भी हम लोग के साथ समाधान नहीं हुआ। यहाँ पर आप रोड अभी देख सकते थे, आप जो रास्ते से यहाँ पर अभी आए हैं शिलान्यास किए हुए हैं, 70 लाख का भी शिलान्यास किए हुए हैं। जिस समय विधायक जी जीते हुए हैं यहाँ थे, यहाँ पर 70 लाख रुपये का शिलान्यास किए हुए हैं, और आज तक रोड जस का तस पड़ा हुआ है। यहाँ पर जो ठेकेदार है, ठेकेदार को 10 बार बोले जा करके, भैया 4 साल आपकी हो गई है यहाँ पर शिलान्यास करते हुए, तो रोड इतना टूटा फूटा, यहाँ पर आए दिन एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं, तो हम लोग का बात का कहीं ना कहीं दरकिनार किया जाता था। हम लोग का कोई एक होता है कि नहीं पार्टी में अगर है जेएमएम में है तो भैया हम लोग का बात सुना जाता है, अहमियत हम लोग को दिया जाता है, ऐसा कोई नहीं। मैं दरी और झंडा ढोने की पर विधायक जी का तो लगातार ये कहते हैं कि नहीं दबदबा रहा है, यहाँ से लेकर सीएम तक का उनका पूरा दबदबा उसका रहा है। भैया तो दबदबा कैसे रहा हो तो आप लोग अपना आंख से देख सकते हैं ना, अभी खुद यहाँ 10 कदम देख लिया जा करके। अभी जब आ रहे होंगे तो कितना बार यहाँ तक के भी न्यूज के माध्यम से हम कितना बार आवाज उठा सके हैं, अपना फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में हम कितना बार बोल चुके हैं इस चीज के लिए कि यहाँ पर जो ठेकेदारी होती है तो वो क्या है कि परसेंटेज भैया बंधा हुआ है कि ठीक है ये आपको यहाँ पर ठेका इतना दे दिए हैं, 1,00,000 रुपया का या 1,00,000 रुपया का, तो आप इतना आप काम कीजिए और बाकी बात हम आप काम कीजिए, नहीं कीजिए वो मतलब नहीं है, मेरा जो परसेंटेज है भैया मेरा परसेंटेज मिलना चाहिए। तो हम लोग को भैया कहाँ जाए, हम लोग तो सिर्फ नेता क्यों चुनते हैं, क्यों बनाते हैं, हम लोग आम जनता वोट क्यों देता है? ये हम लोग का गली जो है, नली गली रास्ता, बच्चे का शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए, भैया तो स्वास्थ्य तो सब
होना चाहिए, पर अभी तक नहीं। यहाँ पर सामने आप देख सकते हैं, मैं नजर के जस्ट सामने कैमरा मैन अगर घुराएंगे दिखाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र ये देख सकते हैं, स्वास्थ्य केंद्र आज से बने हुए हमको लगता है कि 15 से 20 साल हो चुका है स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। आज तक यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मी एक भी नहीं, यहाँ तक के डीसी साहब को, एसपी साहब को, हर एक सा विभाग को चिट्ठी देना चाहिए। चिट्ठी कितना बार दे चुके हैं, यहाँ से कोई अगर महिला प्रेग्नेंट हो, अगर ये उसका नौबत अगर आ जाते हैं यहाँ से गिरिडीह जाने के लिए, तो यहाँ से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर गिरिडीह है हॉस्पिटल, तो जाने के लिए कितना लोग ऐसा है कि ऑटो के माध्यम से गांव देहात का ग्रामीण क्षेत्र, मठरुका पंचायत, बरमोरिया पंचायत, चुंजका पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र इधर ये है कि यहाँ से जाने के लिए बहुत दिक्कत ऐसी होती है। लेकिन एक ऐसा होता है कि नेता तो आते हैं, हर चुनाव में नेता आते हैं, लेकिन सर अपने लंबी लंबी बातें करती हैं, चुनाव के टाइम ही आते हैं, बस सिर्फ चुनाव के टाइम ही आते हैं। अरे ऐसा एक थोड़ा है ना कि चुनाव हो गया है, अब हमको जो वादा किए हैं वादा निभाना पड़ेगा, ऐसे कोई बात नहीं। आज तक ऐसी कुछ समस्या का मतलब है कि हमेशा से ठगने का काम किया, हमेशा से ठगने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम टाइगर जयराम दादा के इतना बड़ा उसका जो भाषण सुने, सबसे बड़ी बात है कि एक झारखंडी, झारखंडी के नाते हम भी एक झारखंडी, और झारखंडी के नाते हमको इतना विश्वास है कि हम लोग झारखंड के हित में दादा बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, और कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कि आज भी दादा कॉल करते हैं तो एक बार कॉल उठाते हैं, समस्या बताते हैं, तो वो समस्या एक बार में कॉल करके वो निदान करते हैं। तो बस बात यही है कि हम लोग उसके विचारधारा से बहुत अच्छा जुड़े हुए हैं, और उसका जो सोच है, अगर दादा इस समय इस बार अगर लोकसभा के जीतते हैं तो हमको पूरा विश्वास है जो काम अधूरा छोड़ करके गए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ पैसा निकासी हुआ, काम नहीं हुआ, पैसा निकासी हुआ, इस बार बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। चलिए क्या लग रहा है, इस बार जो लगातार जेएमएम का गढ़ रहा है, उस गढ़ को आप लोग तोड़ने में कैसे आप लोग सफल होंगे? चैन तो टूट चुका है और खलबली तो खेमे में मच चुकी है, खलबली भी मच चुका है, खलबली भी मच चुकी है। जिस तरह से ये टाइगर जो दहाड़ रहे हैं, हर जगह पे दौरा कर रहे हैं और जिस तरह दहाड़ रहे हैं, हर किसी के खेमे में खलबली मच चुकी है, और इस वजह से भी खलबली मची हुई है कि आकर के ये डायरेक्ट पब्लिक के हित की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और रोजगार की बात कर रहे हैं। ये मेरे आने पे या मेरे आने से पहले आप मुझे देख लें और आने के बाद भी देख लें, आने से पहले भी वो कार्य करके दिखा रहे हैं कि क्या क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और आने के बाद का भी वो आश्वासन दिए हैं और वो आ करके वो पूरा करने की बात भी कह रहे हैं कि मेरे आने पे, सत्ता पे आने के बाद ऐसा 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 निर्णय लिया जाएगा। तो किस प्रत्याशी के साथ आप लोग जा रहे हैं सर? जी इस बार तो जेबीकेएसएस में ही है, जेबीकेएसएस जी, जयराम मैं तो के ही जी, में जा रहे हैं आप लोग जी, क्योंकि इससे पहले भी एक एमपी को हम खड़ा कर चुके हैं, कोई काला क्या नाम था, काला जी, हाँ, चंद्र प्रकाश चौधरी जो है, इस बार जो जीत कर गए 2019 में, अभी तक तो एक बार वो गिरिडीह शहर के गिरिडीह में एक बार आईना भी देखने नहीं आया, क्योंकि वो हमारा जो शासन जो हम जहाँ पे हम सीट लाए हैं वो है कैसा, पर वो लगातार चूंकि वो मोदी जी के नाम से ही वोट लेते हैं तो आने का जरूरत ही नहीं। नहीं, 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 मोदी जी के नाम से अगर वोट लेते हैं तो इस बार भी ले सकते थे ना, क्योंकि केंद्र में अभी भी तो मोदी है, लेकिन इस बार नहीं आ रहे हैं, बोला रामगढ़ ही रहेंगे, तो क्लियर हो गया है कि इस बार बेड़ा पार हो गया, इस बार हाँ बेड़ा तो गर्क हो गया, बेड़ा गर्क हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू खान, मैं कोल्डिया से हूँ, वार्ड नंबर 24 से। हम लोग आज मेरे मतलब घर में कोल्डिया के लोग सारे अल्पसंख्या जेएमएम को कॉपरेट करते थे, हम लोग 22.5% अल्पसंख्या है, कब तक झंडा ढोएंगे, कब तक दरी उठाएंगे? पर आज तक कोई पार्टी आप तक नया नहीं किया आप लोगों के साथ? कभी नहीं, नहीं, आज हम आपको बताने चाह रहे हैं, बहुत दुखद होगा इस बात सुन के आपको, कोल्डिया वार्ड नंबर 24 का 1 किलोमीटर के अंतराल में टाउन थाना है, 1.5 किलोमीटर के अंतराल में आपका डीसी ऑफिस है, हम लोग आज पानी से पीड़ित है, पानी का व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही भैया, पानी से ऐसा है कि आज हम लोग समाज सेवी से भी जुड़े हुए हैं, कोल्डिया के सारे लोग, कभी कुछ ऐसा कोई बात हो जाए 12 बजे रात में भी उठना पड़ता है तो हम लोग उठते हैं और जाते हैं वहां पे, कभी किसी को निराश नहीं करते कि नहीं अभी सोए हुए हैं अभी जगे हुए हैं, ऐसे कुछ नहीं, बस फोन आया तो उठ के चल जाना। सुबह उठते लेडीज लोग 10 तो घर पे आ जाती है, भैया पानी नहीं चल रहा है, भैया कैसे होगा, भैया पानी नहीं दीजिएगा, आप खाना मत दीजिए लेकिन आपको पानी देना पड़ेगा, तो हम पानी किससे मांगने जाएं, हम दिल्ली जाएं, हम रामगढ़ जाएं, हम पुसरो जाएं, हम किससे जाएं पानी मांगने के लिए, हम तो लोग सरकार तो दावा कर रही है कि जल मिशन योजना के तहत लगातार रोटी तक पानी पहुंचाने का काम कर रही है। आप आज हमारे कोल्डिया में पहुंच जाएंगे और आप पानी का बात उठा देंगे तो आपको नाश्ता खाना खिला के भेजेंगे, बोलेंगे दादा आप पानी दिलवा दीजिए, दादा आपको क्या करना पड़ेगा हम लोग को बताइए। और सबसे अफसोस की बात है कि हम लोग जहाँ रहते हैं 500 मीटर में मेरा पानी टंकी है, मतलब जहाँ पे वाटर जो पूरा प्यूरिफाई होता है, जहाँ से पानी सप्लाई होता है, मेरे क्षेत्र पे है चाणक, मेरे क्षेत्र पे, और पानी आज हम लोग के पास नहीं है। और मैं जब नगर पालिका गया, 10 बार हम लोग नगर पालिका गए होंगे,
20 बार नगरपालिका गए होंगे हम लोग, लोगों के साथ सारा बात रखने के लिए आश्वासन सिर्फ मिलता है। तो जयराम महतो जी का जब हम लोग भाषण सुने तो दर्द में एक दिल में जो एक दर्द होता है ना, लगा नहीं कोई झारखंडी आया है जो आज हम लोग के लिए कुछ करेगा। इसी सोच से, इसी सोच का, इसका इनका भाषण सुनने के बाद हम लोग तन मन जान से JBKSS में ज्वाइनिंग कर लिए हैं और आगे कोशिश होगा कि दादा जीतेंगे। कोल्डिया का पानी का संविधान सबसे पहले होगा, पूरा गिरिडीह का पानी का, जहां जहां प्रॉब्लम है हम लोग खड़ा होकर कोशिश करेंगे इसको करवाने के लिए। तो लग रहा है कि जो समस्या से जूझ रहे हैं वो जयराम जी पूरा कर पाएंगे। जरूर इंशाल्लाह, चाहे वो कोई भी मोहल्ला हो, कोई भी समुदाय का हो, उससे कोई मतलब नहीं है भैया। जिसको नहीं मिलता उससे जाके मांगिए, जिसको जो चीज नहीं मिलता उससे जाके उस चीज का कदर कीजिए, तब वो बताएगा अरे उसके लिए कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग जयराम महतो के सपोर्ट से सारा मोहल्ला का वाच करेंगे, जहां जो चीज का तकलीफ है हम लोग यूथ उस चीज को जाने के बाद उसका सारा प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर जिस तरह से देखा जाए तो अभी जो पार्टियां हैं और भी, अब वो लगातार पैसे से जो कार्यकर्ता है उसको खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, तो कैसे फिर कहते हैं कि जयराम जी की पार्टी गरीब है तो कैसे वोट ला पाएंगे? देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल किए आप, बहुत अच्छा लगा। ये सवाल मेरा दिल में चल रहा था कि इससे पहले जो भी इलेक्शन देखे, नेता मतलब पैसा, नेता मतलब पैसा, अरे नेता है लो पैसा, हमारा 20 कुर्सी दे दे, हमारे कलम में ही दे दे, हमारे कलम में वो दे दे, हम वोट दे वो। लेकिन जयराम महतो जी ऐसा है, जहां पे भी जाते हैं बोलता है दादा आपको क्या चाहिए हम देंगे, दादा आपको क्या चाहिए हम देंगे। लेकिन इस बार आप गिरिडीह का, गिरिडीह लोकसभा का पूरा सिस्टम चेंज कर दीजिए, बहुत तकलीफ में है। यानी जनता मांग रही है कि नहीं आप गिरिडीह लोकसभा से आए? एकदम बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, हम लोग राजनीति में 10 साल से जुड़े हुए हैं, JMM का हम लोग हर बार जहाँ पे भी जिस तरह से मेहनत हुआ उस तरह किए हैं, लेकिन हम लोगों का भी कुछ सफल नहीं हुआ है। हम लोग जीतने के बाद कहीं चेहरा दिखलाने लायक नहीं होते हैं। भैया आप वोट मांगने जाइएगा तो पब्लिक आपसे ही डिमांड करेगा। अभी हम लोग जयराम दादा का काम कर रहे हैं, जयराम दादा का फिर काम बढ़ जाएगा, सांसद जीतने के बाद काम बढ़ जाएगा, तो ये काम देखेगा कौन? कैडर लोग। थोड़ी ना जयराम दादा हर जगह आ जाएंगे, अब लेकिन कैडर नहीं देख पाएगा तो फिर जयराम दादा बदनाम हो जाएंगे। चलिए क्या नाम हुआ आपको? नमस्कार जोहार। क्या नाम? मेरा नाम नौशाद अंसारी हुआ। क्या लग रहा है आप लोग कैसे कैसे जयराम जी को लगातार आप लोग जिस तरह से सपोर्ट दे रहे हैं, कैसे गिरिडीह लोकसभा से सीट निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे वो तो पब्लिक का क्रेज बता रही है। पब्लिक का क्रेज जी, पर ये लोग लगातार कह रहे हैं ना कि ये तो फेसबुकिया है, यूट्यूब और फेसबुक में ही नहीं, नहीं, जयराम दादा का जी जी, जयराम दादा का जो है, हम भी सोशल मीडिया पे फेसबुक वगैरह इंस्टा पे वीडियो वगैरह देखे तो देखने में तो अच्छा लगा, तो हम तो कभी मिले ही नहीं थे, और जब मुलाकात हुई और जब उनसे बात हुई तब समय में आया कि ये चीज जो है वो खरा सोना है, क्योंकि आप मानते हैं कि जयराम जी खरा सोना है? जी हम मानते हैं इस बात को। तो इस बार आपकी समुदाय का रुझान क्या रहेगा? हमारे समुदाय का पूरा झुकाव है JBKSS और इधर ही क्रेज मचा हुआ है, जहाँ पे भी दादा जा रहे हैं तो पब्लिक तो भीड़ लगा करके समय दे रही है। भीड़ तो लग रहा है, वोट 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 रहे और वादा भी कर रहे हैं, वोट बदलेगा वो? जी वोट बदलेगा वो, दिख तो रहा है वही पे, दिखाई तो वही दे रहा है जनता में, जो क्रेज है वही दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। हम लोग को डराया जाता है, JMM डराता है कि BJP पर मत जाओ वो तुमको काट लेगा, और जब इधर से जब हम भागते इधर तो इधर से ये काट लेता है। इसका मतलब है कि विकल्प नजर नहीं आ रहा था? अरे हम लोग को तो ठग, हम लोग तो बेवकूफ बन गए ना, हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई नेता नहीं, तो हम तो JMM का ढोर है, झंडा ढोते ढोते तो थक गए, दिल में दर्द है, किसको सुनाए। आए एक भैया हमारे टैगर जयराम महतो, अभी लग रहा कि यहीं से कुछ निवारण हो जाए, तो हम लोग तो इधर ही झुका हुए। हमारा मतलब तीसरा विकल्प आपके आया है ऑप्शन इस अब की बार। चलिए क्या नाम हुआ आपका? आकाश विश्वकर्मा। कैसा माहौल है गिरिडीह का? लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, 2-2.5 साल से आप लोग लगे हुए थे, तो इस बार का माहौल कैसा है? देखिए माहौल तो बहुत यहाँ पर एकदम जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है गिरिडीह लोकसभा में, और दादा के साथ हम लोग 2.5 साल से उनके साथ आंदोलन में थे। चाहे कहीं भी जाना हो, कहीं भी सभा करना हो, लोगों को इकट्ठा करना हो, चाहे अपने झारखंड एकाधिकार की बात करना हो, तो हम लोग हमेशा आवाज़ को बुलंद करते हैं दादा के साथ में, और बहुत ही बेहतर बता सकते हैं। अभी हम गिरिडीह के, जब गिरिडीह के निवासी हैं, हम तो आंदोलन में इधर उधर जाते थे, लेकिन जब गिरिडीह में हमको जब बताया गया कि दादा तुम गिरिडीह पर रह करके तुम गिरिडीह के लिए मेहनत करो, हर समुदाय को यहाँ पर जोड़ने का काम करना है, तो बेहतर यहाँ पर विकल्प क्या, मतलब कह सकते हैं जो 15 साल
हमारे रविंद्र पांडे जी यहाँ के माननीय रविंद्र पांडे सांसद रहे थे निवर्तमान, अभी जो निवर्तमान यहाँ पर सांसद हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी है। तो जो सदन जो विकास होना था गिरिडीह लोकसभा के लिए वो विकास नहीं हो पाया है, और जयराम दा को क्यों आखिर आना पड़ा कि सांसद का चुनाव लड़े, इसलिए वो होना पड़ा क्योंकि जो कानून नीति नियम जो बनता है वो सदन में बनता है, और कानून किसके लिए, विस्थापन नीति के लिए, चाहे यहाँ पर किसी भी तरह का समस्या हो, अभी जहाँ पे समस्या ज्यादा यहाँ पर जमीन का समस्या है, चाहे वो धनबाद क्षेत्र में लीजिए, गिरिडीह क्षेत्र में जो सीसीएल बीसीसीएल चाहे प्लांट फैक्ट्री जो यहाँ पर खुलती है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो दर्द जो है झारखंडी के लिए, जो करार ये दफन हो गए हैं झारखंड की मिट्टी में, उसको लगता था कि कोई तो आए और इस हमारे दर्द को निपटारा दे सके, उनके पास एक ही अब नजर आया है, एक ऑप्शन कोई आया है, वो टाइगर जयराम आतो, आदरणीय टाइगर जयराम आतो है, जो एक आशा भरी नजरों से वो देख रहे हैं कि कोई आगर इन हालातों से हमें निकालेगा और हमारी बातों को सदन में पहुंचाने का काम करेगा, इसी का नाम टाइगर जयराम आतो। और जयराम आतो एक नाम ही नहीं, एक क्रांति है, बदलाव का एक चहल चल पड़ा है, और तमाम क्षेत्र हम लोग घूम रहे हैं, और जो लोगों का विश्वास जयराम के प्रति, जयराम दा के प्रति है, आप वाकई बता रहे हैं कि मत पूछिए कि सभी लोग बोलते हैं, एक नारा है हरे कृष्ण हरे राम, और गिरिडीह लोकसभा पूरा हो गया, जय जय राम जय जय राम जय जय राम, मतलब पूरा गिरिडीह लोकसभा जयराम जयराम एकदम जय जय राम जय जय राम। चलिए लास्ट में अर्जुन दा हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या लग रहा है कि जिस तरह से जो भी पार्टियां हैं लगातार लूटी है, तो कैसे इस जो बीमारी है, इस दर्द को कैसे खत्म किया जाएगा? दादा सबसे पहले यहाँ जब तक स्थानीय नीति न लगेगी, जब तक घरा में केमाड़ी न लगेगी, तब तक चोरी होते रहते। एकदम एक छोटा सा हम एगो मतलब कविता है बोल करें, जे पार्टी 1932 के लगते झारखंड में टाटी, 1932 के जे झारखंड में लगते टाटी, ओकरे उठेबे अबरी 24 में खाटी, और अगर ना उठे तो सब बात करते पार्टी तो ओकरा ले जेबे अबरी शमशान घाटी, शमशान घाट भी ले जाते हैं। हाँ अबरी जैसे जे पार्टी आज 1932 हमनी के ऑलरेडी यहाँ लाग चुकल है, कैसे लाग चुकल है, 1932 जे है से 19